The question says, reaction of tertiary butyl bromide with sodium methoxide produces. हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की जब रिएक्शन होती है सोडियम मेथॉक्साइड के साथ में तो क्या प्रोड्यूस होता है. यहाँ पे हम इसको रिएक्शन को समझ लेते हैं. यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले. सो दिस विल बी लाइक दिस. यहाँ पे होगा CH3, देन यहाँ पे भी CH3 और इससे जुड़ा हुआ है ब्रोमाइड. BR जुड़ा हुआ है तो ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. ब्रोमाइड इसकी जो रिएक्शन करवाई जा रही है वो करवाई जा रही है विद सोडियम मेथॉक्साइड. तो यहाँ पे हम उसको शो कर देते हैं सोडियम मेथॉक्साइड. ये 3 है यहाँ पे. मैं इसको और थोड़ा क्लियर कर देती हूँ. इट इज CH3. तो यहाँ हम लिख देते हैं इट इज सोडियम मेथॉक्साइड. मेथॉक्साइड इसकी जब रिएक्शन करवाई जाएगी तो यहाँ पे फॉर्म होगा आइसोब्यूटाइलीन. उसका स्ट्रक्चर हम बना देते हैं CH3 C डबल बॉन्ड CH2. यहाँ पे ये हो गया CH3. साथ में यहाँ पे फॉर्म होता है सोडियम ब्रोमाइड NaBr और इसके साथ में यहाँ पे फॉर्म होता है CH3OH मिथेनॉल. तो यहाँ पे हम नीचे मेंशन कर देते हैं रिएक्शन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद सोडियम मेथॉक्साइड. सोडियम मेथॉक्साइड प्रोड्यूसेस यहाँ पे हम लिख देते हैं आइसोब्यूटाइलीन. ये आइसोब्यूटाइलीन का स्ट्रक्चर है. सोडियम ब्रोमाइड एंड नीचे हम मेंशन कर देते हैं एंड मेथेनॉल CH3OH. So I'll just conclude it here now. Thus, the above explanation is required answer. Required answer. I hope you understood the explanation. Thank you.